सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जूम प्लस का एलईडी बल्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो अभी मेरा एलईडी बल्ब है जो कि ब्लिंक कर रहा है, तो इसको आपको मोबाइल से कनेक्ट करना है, स्मार्ट एलईडी बल्ब है। सो गाइज, इस बॉक्स के अंदर जो मेरा स्मार्ट एलईडी बल्ब जो है उसके इस बॉक्स के अंदर आया है। तो गाइज, मैं आपको कनेक्ट कैसे करते हैं मोबाइल से, अपने मोबाइल से कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका कलर वलर जो है कैसे चेंज करते हैं, वो आपको मैं सिखाऊंगा आज। आपको इस मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाऊंगा इस स्मार्ट एलईडी बल्ब को। तो गाइस, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है जूम पल्स। ठीक है, इस देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन है, ऊपर ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसको ईजीली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, अपने एलईडी बल्ब जो है चालू रखना है ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर जो है डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, इस मोबाइल नंबर डाल देना है आपको। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको ओटीपी कोड मांगेंगे, वो आपको डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपका जो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा और आपको जीमेल अकाउंट जो है ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको क्या करना है, वापस प्लग से इसको निकालना है और वापस इसको लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद क्या करना है गाइस, अगर ऐसे ब्लिंक करता है तो आपका समझ लिए ये आपका कनेक्ट होने में रेडी है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐड डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको इस एलईडी लाइट पावर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे यस ट्राई अगेन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा इशू आ रहा है। चेकिंग हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, उस ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अलो कर देना है क्लिक। ठीक है, और यहाँ फिर से एक बार क्लिक कर देना है इस पर। कुछ इस तरीके का अगर आपको बताता है ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या करना है, रीसेट पर आपको ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है, थोड़ा समय वेट करना है यहाँ पर, जो आपका डिवाइस है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा।